हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन। स्टेप वन सबसे पहले बता रहा हूँ हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन। इफ यू आर न्यू टू पाइथन सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है। हियर आई एम यूजिंग गूगल क्रोम एज अ ब्राउजर। देन आपको गूगल पे जाना है और यहाँ टाइप करना है पाइथन। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वेलकम टू पाइथन डॉट ओ आर जी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जाना है डाउनलोड पे एंड लेटेस्ट जो भी वर्जन है पाइथन का उसे इंस्टॉल कर लो। पाइथन 3.9.6 आया हुआ है यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन। मैं उसे इंस्टॉल कर डाउनलोड कर रहा हूँ। नाउ मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल पाइथन 3.6 के लिए एक सेटअप बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको एड पाइथन 3.92 पाथ करना है। आपको जाना है कस्टम इंस्टॉलेशन पे, देन नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। पहले एक बार देख लेना कि आपके सी ड्राइव में पाइथन नाम का एक फोल्डर बना हुआ हो। सो मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी एक पाइथन नाम का फोल्डर है, बट यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फाइल्स है तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। एक बार ये फाइल डिलीट हो जाए, सो आई एम क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर विद द सेम नेम पाइथन। ओके, ये डिलीट हो गया। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट 10 प्रेस करोगे एक नया फोल्डर आ जाएगा। आप यहाँ पाइथन टाइप करो, दैट्स इट। अब आपको वापस आ जाना है सेटअप के, यहाँ पर आपने इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया था। यहाँ पे आपको क्लिक करना है ब्राउज पर। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है दिस पीसी पे। दिस पीसी सी ड्राइव, सी ड्राइव में आपको पाइथन का फोल्डर दिखेगा एंड ओके। एंड देन आपको यहाँ क्लिक कर देना है इंस्टॉल पे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन पूछेगा, आपको येस कर देना है एंड यहाँ आपका पाइथन सेटअप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। सो दिस इज सिंपल स्टेप, बट अगर आपने कोई भी स्टेप में मिस्टेक करी तो आपकी पाइथन के जो मॉड्यूल्स होंगे वो रन कर नहीं पाओगे प्रॉपरली और उसमें बहुत सारी एरर आएगी। सो आपको एकदम प्रॉपरली सेटअप यहाँ इस तरह से ही करना है जैसे मैंने यहाँ सेटअप आपको करके दिखाया है। ओके, सो सेटअप वाज सक्सेसफुली, यहाँ पे सेटअप इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से क्लोज कर देते हैं। नाउ आज मैं आपको एक नए मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है पाई वॉट किट। ओके, सो आज हम एक नया मॉड्यूल चेक करेंगे, पाई वॉट किट। मैं यहाँ पे गूगल पे ओपन कर रहा हूँ, पाई WHT वॉट किट। सो ये है जिस मॉड्यूल को हम आज यूज करने वाले हैं। इसको इंस्टॉल कैसे करना है? सो आपको इंस्टॉल करना है इस मॉड्यूल को सिस्टम पे। सो सबसे पहले बता रहा हूँ हाउ टू इंस्टॉल दिस ऑन योर सिस्टम। सो इफ यू आर यूजिंग विंडोज सिस्टम, आप यहाँ पे विंडोज के ऑप्शन पे राइट क्लिक करो और आपको जाना है यहाँ पे विंडो पावर शेल एडमिन। अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे विंडो पावर शेल एडमिन को यूज कर सकते हो और आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं मिलता, अगर आप विंडोज 7 या 8 यूज कर रहे हो, सो आप सिंपल विंडो प्रेस करो, CMD टाइप करो एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो, तो आप यहां से भी इंस्टॉल कर पाओगे। अब यहाँ जो लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर पार्ट को मैं कॉपी कर रहा हूं, मैं यहां पर आके उसे पेस्ट कर दूंगा एंड मैं यहाँ पे एंटर हिट कर रहा हूँ। पिप इंस्टॉल पाइवॉट किट, ये मॉड्यूल है जिसे इंस्टॉल करने के बाद हम व्हाट्सएप को ऑटोमेशन करेंगे। जस्ट वेट, ये पूरा यहाँ पे सारी जो भी फाइल्स है जो डाउनलोड करनी है सारी डाउनलोड करके मुझे मैसेज दे देगा। ओके, सो हमारे पास कंप्लीट हो गया, ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुका है। नाउ मैं इस ब्राउजर को क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ड्राइव वाले फोल्डर को भी क्लोज कर रहा हूँ एंड में से भी क्लोज कर रहा हूँ। आई एम प्रेसिंग विंडो IDLE आइडल, सो मेरे पास पाइथन का शेल ओपन हो जाएगा। नाउ आई एम प्रेसिंग कंट्रोल एंड टू ओपन अनटाइटल्ड एंड यहाँ पर लिखूंगा मैं कोड टू ऑटोमेट माई व्हाट्सएप। सबसे पहले टाइप करना है आपको इम्पोर्ट और जो आपने फाइल डाउनलोड की है पाई वॉट किट, सो पाई WHT वॉट WIT किट, देन एंटर। नाउ आपको एक लाइन लिखनी है पाई WHT वॉट किट डॉट SEND सेंड वॉट्स मैसेज WHT वॉट MSG मैसेज के शॉर्ट फॉर्म को, ब्रैकेट्स और ब्रैकेट एंड। सबसे पहले मुझे यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना होगा जिससे मुझे व्हाट्सएप भेजना है। सो यहाँ यूज करूंगा सिंगल कोट में प्लस देन 91 स्पेस नाउ अ नंबर। सो मैं नंबर यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ देन कॉमा। इसके बाद आपको मैसेज प्रिंट करना है जो मैसेज आपको यूजर को भेजना है। सो मैं अगेन सिंगल कोट मैसेज टाइप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ हैप्पी बर्थडे अगेन कॉमा करके आपको टाइम सेलेक्ट करना है। सो राइट नाउ इट्स 13:05 मीन्स इट्स 1:05, मेरे को चाहिए कि मैसेज सेंड हो 13:10 पे। सो मैं यहाँ करूंगा 13:10, दैट्स इट। इस फाइल को सेव करना है, सो कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूँ मैं इस फाइल को। डॉक डेस्कटॉप पे मैं लिखता हूँ पाइथन WHAT वॉट
एंड मैं यहाँ से सेव करूंगा 1.py से, एंटर। नाउ इसे रन करने के लिए आपको प्रेस करना है F5। नाउ आफ्टर 212 सेकेंड्स के अंदर ऑटोमेटिकली मेरे ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा व्हाट्सएप वेब, एंड ये जो नंबर मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया उसको ये मैसेज पहुंच जाएगा। सो वी हैव टू वेट अंटिल दैट, एंड आई थिंक आपको मेरे हैंड्स दिख रहे हैं, मेरे हैंड्स यहाँ पर हैं, सो आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग राइट नाउ। एंड आफ्टर 212 सेकेंड्स ऑटोमेटिकली मेरा ब्राउजर ओपन हो जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखना कि आपका आपके मोबाइल एज वेल एज आपके लैपटॉप दोनों में वाईफाई और इंटरनेट प्रॉपर होना चाहिए। इफ़ यू आर यूजिंग लैन तो लैन भी एकदम प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये परफॉर्मेंस होगी। और ऑलमोस्ट 20 सेकंड्स पहले ब्राउजर को ऑटोमेटिक ओपन करके व्हाट्सएप वेब को स्टार्ट कर देगा। सो आपको प्रॉपरली स्कैन रखना है अपने मोबाइल को व्हाट्सएप वेब से, मतलब गूगल पे आपको स्कैन पहले से करके रखना होगा उस चीज को। स्टिल वी हैव 2 मिनट्स टू गो। ओके सो वी हैव जस्ट 1 मोर मिनट। आफ्टर 40 सेकंड्स ऑटोमेटिकली मेरे क्रोम ब्राउजर पे ओपन कर देगा व्हाट्सएप वेब को सिस्टम। ओके आई थिंक आफ्टर 7 सेकंड व्हाट्सएप वेब एक्टिवेट हो जाएगा। देखो ऑटोमेटिकली क्रोम ब्राउजर ओपन हो चुका है, मेरा व्हाट्सएप वेब की स्क्रीन वहां पे आपको दिख जाएगी, एंड मेरे हैंड्स अभी भी यहाँ पे ही एज इट इज दिखेगा, विच इज नोन एज हैप्पी बर्थडे। आई थिंक आपको विजिबल होगा हैप्पी बर्थडे दिख रहा है, और ये ऑटोमेटिकली सेंड भी हो जाएगा, और ये सेंड हो गया यहाँ पे। सो इफ यू सीइंग यहाँ पे आपको मैसेज सेंड दिख जाएगा हैप्पी बर्थडे ऑन 1:10 जो मैंने टाइम दिया था। पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक वन स्पॉट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस।